गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के टॉप 35 क्वेश्चंस की, जो कि सुपर टेट, जूनियर हाई स्कूल एवं अन्य PCS, SSC, UP SSC आदि के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द दूसरे क्वेश्चन में है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इस शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस को, ठीक है, नोट कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उनके से संबंधित अध्ययन। तो एपिकल्चर कैसे कहते हैं? एपिकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर कैसे कहते हैं? सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। मछली पालन या मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीस कल्चर कहते हैं। पिसीस कल्चर आगे बढ़ते हैं। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कैसे कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी और निथोलॉजी ये कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को। और जबकि मत्स्य पालन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते थे, वो हमने अभी आपको बताया था, पिसीस कल्चर। और मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। और मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीस कल्चर। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों के सम्मिलित अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी। आगे पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के उद्भव से संबंधित जो आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत था, उसे ओपेरिन ने दिया था। AI ओपेरिन, ओपेरिन ने दिया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। चावल की खेती में जैव उर्वरक के रूप में नीली हरी शैवाल को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन देने वाला जो शैवाल है या एल्गी है, वो लेमिनेरिया है। चेचक के टीके का आविष्कार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर। 1 किलोग्राम शहद में 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को माना जाता है। नेचुरल सेलेक्शन का जो सिद्धांत है, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं धड़कन को मापने में, उसका प्रयोग, उसका आविष्कार लेनी ने किया था। आगे बढ़ें।
तो जीवाणु की जो खोज है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। टाइफाइड जीवाणु की खोज रोवर्थ ने की थी। वेरी वेरी रोग की खोज आइजैक मैन ने की थी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। इसके आगे हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये 35 जीव विज्ञान के। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें, ये वीडियो अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से बहुत संख्या में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।